गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में जो आज का टॉपिक है वो है ना हाफ सब्सट्रैक्टर। कल मैंने हाफ एडर बताया था, आज अपना है हाफ सब्सट्रैक्टर। ठीक है, हाफ सब्सट्रैक्टर क्या होता है? जब हम हाफ सब्सट्रैक्टर सब्सट्रैक्ट्स ओनली टू बाइनरी डिजिट एट अ टाइम। हाफ सब्सट्रैक्टर क्या करेगा, एक टाइम में दो बाइनरी डिजिट को सब्सट्रैक्ट करेगा एंड प्रोड्यूस करेगा आउटपुट को टू बिट में। तो एक होगी हमारी और एक होगी हमारी बॉरो। ठीक है, इट हैज टू इनपुट्स एंड टू आउटपुट्स। द ट्रुथ टेबल ऑफ द सब्सट्रैक्शन सब्सट्रैक्टर ऑपरेशंस गिवन। ठीक है, अब हमको ये ट्रुथ टेबल बता रही है इसकी। हमने क्या किया, ट्रुथ टेबल के अंदर इनपुट ले लिया, आउटपुट ले लिया, हमने ए नाम की एक बिट ले ली, एक बी बिट ले ली। ठीक है, अब दोनों के लिए हमको डिफरेंस फाइंड करना है और उसको जो बोरो आ रही होगी वो हम बोरो लेंगे। ठीक है, पहले सबसे पहले जीरो में से जीरो माइनस किया, जीरो। अब यहाँ पे जीरो में से वन जाता नहीं है तो हम क्या करते हैं, एक बोरो लेंगे। ठीक है, टेन में से वन किया तो वन बचता है। ठीक है, अब वन में से जीरो किया तो वन आ गया जीरो। अब वन में से वन किया तो क्या आएगा, वन में से वन किया तो जीरो। ठीक है, अब इसमें दो डायग्राम बन रही है, ये वाला जीरो डबल वन जीरो, ये बाइनरी टेबल थी हमारी हाफ निकाल रहा है।
था नेक्सोन का ऐसे फ्री निकल के, ये हमारा था, ये हमारा बॉन्ड है, ठीक है, वाली फ्री का बॉन्ड है, फिर ये बी समझ में आ जाएगा, ये था हमारा डिफरेंस, ठीक है, ये माइनस करते हैं हाफ सबट्रैक्टर के द्वारा माइनस करते हैं, ठीक है, ये क्लियर हो गया सबको? कोई डाउट है इसमें? प्रज्ञा पहली कोई हो तो अभी पूछ लो। ऐसे के साथ को डायग्राम बना के आना है और डायग्राम के बाद आपको इसको डाल।